काफी इंटरेस्टिंग लगा जब मैंने प्रोमो देखा तो मुझे लगा कुछ नया है कुछ अलग लग रहा है तो देखना तो बनता है कुछ नया कुछ अलग एक अलग सोच एक अलग मतलब आई डोंट नो और प्लस चंदन एसोसिएटेड है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ अलग ही काम करता है सो कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं इट्स अ फर्स्ट टाइम एनवायरनमेंट एंड साइंस फ्रिक्शन जो एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहा है सो एनवायरनमेंट के बारे में अगर बात करें तो डे बाय डे जो देखते जा रहे हैं हम कल ही देखा जाए तो 6000 प्लास्टिक सीज किया गया है सो उसके बारे में क्या कहना चाहिए मैं क्या बोलूँ मतलब ऐसे पढ़े लिखे जाहिलों के बारे में और ये मुझे लगता है कि ये पढ़ाई से नहीं ये एजुकेशन से आता है अगर आपको घर पे ये सीख मिली है कि आप कहीं भी बैठे हैं मतलब मुझे मेरी माँ ने एक बहुत बचपन में एक बात बोली थी कुत्ता भी जहाँ बैठता है ना तो दुम हिलाकर साफ करके बैठता है लेकिन हम लोग भूल गए हैं जब मैं बाकी कंट्रीज़ में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वहाँ पर साफ़ सफाई पर कितना ध्यान दिया जाता है या लोग कितने कॉन्शियस रहते हैं एनवायरमेंट को लेकर एनवायरमेंट इतना बड़ा इशू बन गया है कि आप ये सोचें कि लियोनार्डो डिकैप्रियो चेन्नई के बारे में ट्वीट कर रहे हैं तो अगर हम लोग हिंदुस्तानी होकर हम लोग उस मामले को इग्नोर करेंगे और बाकी देश के इतने बड़े सुपरस्टार उस बारे में ट्वीट करेंगे और हम लोग बिल्कुल ओब्लिवियस रहेंगे क्योंकि हम लोग इतने बिजी हैं 9 to 5 जॉब्स करने में पैसे छापने में पर हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि जो पानी की किल्लत वहाँ हो रही है वो बहुत जल्द बॉम्बे में भी हो सकती है आप लोगों के घरों में शायद पानी ना मिले हम लोग को शायद नहाने के लिए पीने तक के लिए पानी ना मिले तो फिर अगर हम लोग इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे सो दिस इज़ द बिगेस्ट क्राइसिस वी आर फेसिंग राइट नाउ एंड आई थिंक एज अ ह्यूमन रेस अगर हम लोग अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे तो फिर हमारे जीने का फ़ायदा क्या है क्योंकि चंदन जी की बात करें तो ये पहली उनकी वेब सीरीज है एज़ अ एक्टर क्या कहना चाहिए क्योंकि आपने कहा कि आप स्पेशली उनको देखते हैं हाँ चंदन के साथ मैंने एक काम किया एक शॉर्ट फिल्म की है जो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है और उसके साथ काम करने में मुझे बहुत मज़ा आया था चंदन इज़ लाइक ही इज़ लाइक दिस पावर हाउस ऑफ लाइक वो पागल है मुझे लगता है कि ही जस्ट डज थिंग्स यू नो इन अ सीन जो कभी आपको बताता नहीं है ही आदमी टेक्स यू बाय सरप्राइज एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेट अबाउट हिम एज एन एक्टर मुझे बहुत मज़ा आया था उसके साथ काम करके सो व्हेन चंदन मैसेज मी दैट उसकी फिल्म हो रही है तो मैंने काम करना आई थिंक अभी उसकी मार्केटिंग फिलहाल शुरू हो रही है उसकी इतनी धड़ल्ले से मार्केटिंग नहीं की जिस तरह जी करता है एंड बट बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ है फुटबॉल पे बन रही है फुटबॉल के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था मुझे जो भी फुटबॉल के बारे में आज तक पता चला है या जो भी पता हुआ है मेरा आई मीन जो मेरी नॉलेज है उसके बारे में वो मुझे मेरे भाई से मिली है मेरा भाई मुझसे 4 साल छोटा है और उसने पूरी लाइफ सिर्फ फुटबॉल मैचेस देखें मतलब वो इंडियन क्रिकेट पे इतना ध्यान नहीं देता जितना फुटबॉल पे ध्यान देता है तो उसकी वजह से मुझे फुटबॉल में एक रोमांच पैदा हुआ है एंड जब मुझे जब जी का सामने से कॉल आया उन्होंने कहा कि फुटबॉल पे सीरीज़ बना रहे हैं मैंने कहा लो भाई सब लोग क्रिकेट पे बनाते हैं आप लोग फुटबॉल पे बना रहे हैं विच आई थिंक इज़ वेरी गुड तो आई थिंक उसको उसी तरह सराहा जाए जिस तरह उसको बनाया गया है सो लुकिंग फॉरवर्ड उस दिन मैं बहुत डर के बैठूंगी पेट्रोल बंद कर दूंगी आई मीन कोई धक्का ना पहुंचे सबके अरमानों पे बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन मेरे घर में भी होता है मेरे घर में सुबह से टीवी चालू रहता है तो या आई होप कि प्राइसेस मतलब जीने लायक हो पानी महंगा ना कर दें बिकॉज मुझे लग रहा है कि बहुत सालों में हमारे पास पानी नहीं बचेगा और मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ और डर पानी को लेकर ही होता है आई होप दे आर नाइस टू अस थैंक यू